हेलो स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड ये लास्ट प्रॉब्लम है ना। कल लास्ट इसके पहले क्लास में हम क्या देख रहे थे कि लास्ट में हमने क्या देखा था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो उस सिचुएशन में पाथ क्या होगा, है ना, और कैसे हम प्रॉब्लम को डील करेंगे हमने देखा था, है ना। उसी में एक केस है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है और किसी रीजन में, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब क्या किया गया कि हमने एक ओरिजिन कंसीडर कर लिया है, है ना। ओरिजिन पे एक चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, छोड़ दिया, है ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उस चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? इस केस में पाथ क्या होता है, साइक्लोइड आता है। क्या होता है पाथ, क्या होता है, साइक्लोइड आता है। लेकिन हम बाद में लिखेंगे कि साइक्लोइड कैसे है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी टाइम टी पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, है ना। क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इन द स्पेस। दूसरा ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी टाइम टी इन द स्पेस, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे देखेंगे, देखो क्या है, इनिशियली हमने क्या किया है, रिलीज किया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनिशियली जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो, जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आई, है ना। तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, तो जैसे ही क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल थोड़ा मूव करेगा तो क्या होगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी क्या होगा, गेन कर लेगा। और जब वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो जैसे ही उसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा, है ना। तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ी टाइम तक मूव करेगा। देखो यहां मैंने दिखाया है कि ये क्या होगा, थोड़ी टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो आप क्या करोगे, वी क्रॉस बी देखोगे, तो वी क्रॉस बी यहाँ, यदि आप बात करोगे यहाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा। यहाँ हमने दिखाया है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। और हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल पी पॉइंट पे है, है ना, और वहां वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स आई प्लस क्या होगा, वी वाई जे होगा, हमने मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ दो पॉइंट लिखेंगे, है ना। पहला क्या होगा, इनिशियली एट क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम विल भी क्या होगा, जीरो। हेंस क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो ओनली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्यू ई इंटू क्या होगा, क्यू ई, और फोर्स जो होगा वो क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। Hence, हम क्या लिखेंगे, Hence, just after, क्या होगा, just, क्या होगा, just after t equal to zero, particle will क्या होगा, move along the क्या होगा, direction of electric field, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, ये थोड़ा क्या होगा, एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। जैसे ही थोड़ा वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इसके वजह से क्या होगा, वो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो आफ्टर एट एनी टाइम टी यदि हम कंसिडर कर लें कि किसी टाइम टी उस पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एक्स आई कैप इंटू क्या, Vx i cap plus क्या है, Vy j cap है। तो किसी instant of time पे उस पे magnetic, उस पे total force क्या लगेगा, Lorentz force लगेगा,
आई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स और दोनों एंड क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि लेट है ना, लेट एट एनी टाइम। देखो ये क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है, इवन 26-27 नंबर, आई थिंक 27 या 28 नंबर जो क्वेश्चंस अनसॉल्व में दिया, आई मीन एक्सरसाइज में दिया हुआ, इसी पे बेस्ड है ना। तो एट एनी टाइम, लेट एट एनी टाइम टी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज, गिवन एज क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वी वाई जे कैप, के कैप भी मान लो लगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, जे एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा, इसलिए जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इनिशियल, ठीक है। आई मीन वेलोसिटी जो होगा एक्स और वाई कंपोनेंट ही होगा, जेड कंपोनेंट नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ जेड कंपोनेंट ठीक है नहीं होगा, जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाद में तुमको मालूम चलेगा, अभी केवल मान लो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या माना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उस पर फोर्स लगेगा एफ एल होगा, लॉरेंस फोर्स, और ये क्या होगा क्यू ई प्लस क्या होगा वी क्रॉस बी, है ना, यही होगा, कोई डाउट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एफ एल इज इक्वल टू क्यू, देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई नट जे कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के है, एलोंग है, प्लस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस वी नट के कैप, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, और आउट ऑफ द बोर्ड क्या होता है, के कैप हम कंसीडर करते हैं, प्लस के कैप, ठीक है। तो देखो यहाँ एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई नट है ना जे कैप प्लस क्यू नट बी नट, लिख सकते हैं, देखो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस, तो वी एक्स माइनस जे कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो वी वाई आई कैप, ठीक है। अब यहाँ हम भी लिख सकते हैं कि एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई नट, ठीक है, माइनस है ना क्यू नट, आई मीन क्यू बी नट वी एक्स क्या हो गया, जे कैप, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस क्यू वी नट क्या होगा, वी वाई आई कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे ही मैं इसको बहन देता हूँ बाद में, या तुम इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना। अब देखो कुछ नहीं है, यहाँ से देखोगे तो एफ एक्स कंपेयर करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन एफ एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू बी नट वी वाई, है ना। तो यहाँ ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी नट वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू है ना ई नट माइनस क्यू बी नट वी एक्स, ठीक है। और ए वाई लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई नट माइनस क्यू बी नट वी एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का नाम मैं देता हूँ वन, एंड दिस इज इक्वेशन क्या होगा, टू, नहीं इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि वेलोसिटी भी लिखना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड, एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री बोथ साइड्स
with respect to TV get क्या मिलेगा देखो तो dAy dt is equal to क्या होगा देखो तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं d of q inert upon m minus q b inert upon m into vx ठीक है कोई बात नहीं है इसमें ये समझ में आना है यहां तक अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं है ना देखो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो एडवांस में पूछा जाएगा मेंस में नहीं पूछा जा सकता मेंस में पूछा जा सकता है कि पाथ क्या होगा ठीक है अब क्या लिख सकते हैं देखो डी ए वाई डी टी इज इक्वल टू अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे डी ऑफ क्यू इनर्ट अपॉन एम डी टी माइनस क्या लिखेंगे क्यू बी इनर्ट अपॉन एम डी ऑफ Vx, ठीक है क्या लिखेंगे आप d ऑफ Vx, ठीक है d ay है ना तो से है ना ये ठीक है देखते हैं है ना तो ये क्या हो जाएगा d ay Vx अपॉन क्या होगा dt सही है ना तो देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा d ay dt is equal to क्या हो जाएगा माइनस q b नॉट अपॉन m dv अपॉन क्या हो जाएगा dv अपॉन dx और ये क्या हो जाएगा d ऑफ ay dt is equal to क्या हो जाएगा माइनस q b नॉट अपॉन m ए एक्स ठीक है इस इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूं फोर लिख दे रहा हूं ठीक है दिस इज इक्वेशन नंबर फोर नाउ लिख सकते हैं नाउ नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड क्या होगा सेकेंड एंड फोर्थ ठीक है तो कितना हो जाएगा देखो डी ए वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू माइनस क्यू B नट अपॉन m q B नट अपॉन m इंटू एक्स का वैल्यू वहां से रख सकते हैं तो देखो क्या है q B नट अपॉन m इंटू क्या हुआ v y तो ये ऐसे हो जाएगा देखो इसको हम ay को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ dt इंटू क्या लिख सकते हैं d vy dt ठीक है ये क्या हो जाएगा माइनस q B नट अपॉन m क्या हो जाएगा होल स्क्वायर वी वाई ठीक है अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हैं देखो डी टू वी वाई अपॉन क्या होगा डी टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बी नट अपॉन एम द क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू क्या होगा वी वाई अभी आप शायद देखोगे ये क्या हो जाएगा इसको आप लिख सकते हो ऐसे डी टू वी वाई अपॉन क्या होगा डी टी टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अब ये आप देखो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अब क्या होगा एस एच एम हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन अब क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम है ना उस फॉर्म में आ गया देखो वहां क्या था डी टू वाई आई मीन क्या था डी टू एक्स अपॉन डी टी टू था यहाँ क्या है वी है ये क्या होगा वेयर हम लिख सकते हैं वेयर वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बी नट अपॉन क्या हो जाएगा एम हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू बी नट अपॉन क्या होगा एम होगा अब यहाँ से आप बता सकते हो एस एच एम में याद करो कि ऐसे कुछ था यहाँ देखोगे तो x यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको यूज करेंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू क्या था यदि ऐसे था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो हम क्या लिखते थे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे लिखते थे फाइव लिखते थे ऐसे लिखते थे एस एच एम का कॉन्सेप्ट है ना उसी तरह हम यहाँ क्या लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या है इक्वेशन हमने क्या लिखा फोर ये इक्वेशन फाइव लिखा
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। मुझे इसकी जरूरत है इसलिए कुछ इक्वेशन नहीं हम ही कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसकी जरूरत होगी, है ना। अब देखो यहां से तो हम लिख सकते हैं हेंस, है ना, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस यहां से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि देखो तो इससे कंपेयर करो तो क्या लिख सकते हो कि vy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a साइन, है ना, ओमेगा t प्लस फाइ। अब देखो एट t इक्वल टू जीरो आप बोल सकते हो कि एट क्या होगा, एट t इक्वल टू जीरो, vy क्या है यार, जीरो है, तो इसलिए phi का जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखो। तो अब vy इज इक्वल टू क्या मिला, a साइन क्या है, ओमेगा t, है ना, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा, डी वी वाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखेंगे एट टी इक्वल टू जीरो, ये समझ में आया, इसको हम इक्वेशन नंबर कितना लिख दें यार, फिफ्थ, इसको सिक्स लिख देते हैं, है ना। और अब लिखेंगे कि एट, देखो तो एट टी इक्वल टू जीरो ए वाई इक्वल टू क्या है, ए ओमेगा अपॉन क्या है, ए वाई। अब देखो तो टी इक्वल टू जीरो पे, है ना, टी इक्वल टू जीरो पे ए वाई कितना होगा आप देख सकते हो, यहाँ टी इक्वल टू जीरो पे वी एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा यार। अरे टी इक्वल टू जीरो पे कौन सा फोर्स लग रहा है यार, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो एट टी इक्वल टू जीरो ए वाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनट अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू इनट अपॉन क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए। अब ओमेगा का वैल्यू हमने लिखा है इधर, ओमेगा का वैल्यू क्या है, क्यू, ठीक है, बी नट अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहाँ से क्यू अपॉन एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखोगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, इनट अपॉन क्या हो जाएगा, बी नट, E नट अपॉन क्या मिल गया, B नट मिल गया। अब अपने को क्या मिला, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया, है ना। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं, इसको जरूरी है अभी, है ना, तो यहां हम vy लिख सकते हैं, क्या मिलेगा, vy जो होगा वो क्या होगा, नाउ देखो यहां इस इक्वेशन में हम रखेंगे a का वैल्यू, a का वैल्यू मुझे निकालना है यार, ए का वैल्यू यदि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो कैसे रखेंगे, ए का वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, कि अब मुझे ए वाई एट टी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यदि मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ए वाई मिल जाएगा, और टी इक्वल टू जीरो पे ए वाई को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, आई मीन एक्सेलेरेशन अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस दोनों क्या होगा, सेम होगा, ए वाई और ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, और ए वाई का वैल्यू हम कहां से रखेंगे, यहां से, कि at t equal to 0 ये क्या होगा, vx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि t equal to 0 पे हम पार्टिकल को क्या किए हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम ओरिजिन पे रिलीज किए हैं फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट से आप रिलीज कर रहे हो तो at t equal to 0 उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, आई मीन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मालूम चला कि vy इज इक्वल टू क्या होगा, e नट अपॉन क्या होगा, b नट, ठीक है, इनटू क्या है, साइन ऑफ क्या हुआ, ओमेगा टी। ओमेगा कितना मिला था अभी आपको मैं बता दूं, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी नट अपॉन क्या है, ठीक है, ये आपको वेलोसिटी मिल गया, है ना। अब यदि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी डी, हाँ डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ई नट अपॉन क्या हो जाएगा, बी नट साइन ओमेगा टी, तो डी वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई नट अपॉन क्या होगा, बी नट, है ना, साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेट करो तो यहाँ लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई नट अपॉन बी नट इंटीग्रेशन साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा टी डी टी और जीरो टू टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई नट अपॉन क्या लिखेंगे, बी नट
इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ओमेगा और यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, जीरो टू क्या हो जाएगा, जीरो टू टी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा। तो वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हो तुम। तो यहाँ से देखो वाई, बाद में मैं सब लिख दूंगा एक साथ, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू देखो ये कितना हुआ, माइनस ई नट अपॉन बी नट इन टू क्यू बी नट अपॉन क्या है, यही होगा ना ओमेगा का वैल्यू, देखो क्यू बी नट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, और वैल्यू रखो अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा वन। यहाँ लिखोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई नट एम अपॉन क्या हो जाएगा बी नट, या बी ई इसके टर्म में रहते रहने देते हैं यार, ओमेगा के टर्म में ज़्यादा आसान होगा। तो क्या हो जाएगा ई नट अपॉन क्या होगा बी, बी नट ओमेगा इन टू क्या हो जाएगा वन माइनस क्या हुआ कॉस। अब देखो वेलोसिटी भी मिल गया, ए वाई मिल गया, यहाँ से वी वाई भी फिर से लिख देता हूँ, क्या हुआ ई नट अपॉन क्या हुआ बी नट इन टू साइन ओमेगा टी। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मालूम चल गया, अब क्या हुआ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मालूम चल गया। अब देखो x क्या होगा, नाउ हम लिख रहे हैं कि नाउ क्या होगा, नाउ यहां लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से क्या दिया हुआ है, देखो ए एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है q b नॉट अपॉन m है ना वी वाई। तो ए एक्स इज इक्वल टू देखो क्यू नट वी नट, यहाँ से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो यार ए वाई का वैल्यू रख करके, लेकिन बेटर है कि हम यहीं से सॉल्व कर लें। मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके तो तुम यहाँ से वी एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी हम वी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं से भी। तो एक्स इज इक्वल टू देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एक्स को क्या लिख सकते हैं डी वी एक्स डी टी इज इक्वल टू क्यू बी नट अपॉन एम इन टू क्या लिखेंगे, वी वाई क्या लिखेंगे बता सकते हो आप, वी वाई का वैल्यू रखो तो ई नट अपॉन क्या हो जाएगा बी नट ओमेगा, यही होगा ना इन टू, नहीं हमें यहाँ ई नट ठीक है क्यू बी नट ई नट अपॉन एम इन टू बी नट ठीक है इन टू क्या लिखेंगे साइन है ना साइन ऑफ क्या लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा। तो ये देखो बी नट से बी नट कैंसिल हो जाएगा तो डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डी वी एक्स अपॉन डी टी देखो क्यू ई नट अपॉन क्या हो गया एम है ना इन टू क्या हुआ साइन है ना ओमेगा टी। अब यहां से क्या मिल जाएगा अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा ठीक है। तो वेलोसिटी मिल जाएगा तो देखो इसकी जरूरत है इसलिए मैं अभी रख रहा हूँ, इसकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक है ना, नहीं पड़ेगा ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब किसी की भी जरूरत नहीं है यहाँ से है ना, तो हम क्या करेंगे सबको मैं रब कर देता हूँ। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से डी वी एक्स अपॉन डी टी ठीक है, डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या है क्यू ई नट अपॉन क्या होगा एम क्या होगा क्यू ई नट अपॉन एम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि वी एक्स आई मीन डी डी वी एक्स इक्वल टू क्या होगा क्यू ई नट अपॉन एम ठीक है साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा क्यू ई नट अपॉन एम इंटीग्रेशन देखो यहाँ क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है तो इसलिए जीरो टू वी एक्स हमने ले लिया, यहाँ क्या लिखोगे जीरो टू टी साइन है ना ओमेगा टी डी टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा क्यू ई नट अपॉन क्या हो गया एम है ना, इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा जीरो टू टी और अपॉन क्या होगा ओमेगा ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो वी एक्स इक्वल टू क्या होगा क्यू ई क्यू ई नट क्यू ई नट अपॉन एम ओमेगा इनटू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये क्या हो जाएगा
वन माइनस कॉस क्या होगा ओमेगा टी। अब देखो कब कब जो होगा पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा जीरो होगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी जीरो होगा, ये आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, अब देखो वी एक्स मिल गया तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं नाउ, क्या लिख सकते हैं नाउ, क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू इनट अपॉन क्या होगा एम इंटू वन माइनस क्या कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या क्यू इनट अपॉन एम है ना वन माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। यहां से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो q इनट अपॉन m इंटू इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू t ले लो लिमिट, क्योंकि हम एनी टाइम t लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos ओमेगा t। ठीक है, अब यहां से x आप लिख सकते हो, देखो q इनट अपॉन क्या होगा m इंटू ये डायरेक्ट क्या लिख देता हूं t माइनस साइन क्या होगा ओमेगा टी अपॉन क्या होगा ओमेगा। तो अब क्या मिल गया अपने को, देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल गया, क्या मिल गया वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया और ठीक है, तो इसे ये मालूम चल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में जो होगा वो पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा आई मीन पाथ जो होगा उसका पार्टिकल का क्या हो जाएगा साइक्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, और जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सभी को हम समराइज करके एक जगह क्या कर रहे हैं लिख दे रहा हूं मैं कि आपको तो देखो यहां से वी एक्स इक्वल टू क्या मिला क्यू क्यू। अब देखो यहां से आप बता सकते हो कितने कितने टाइम पे पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा एक्स एक्सिस को कब कब आई मीन वाई कोऑर्डिनेट कब कब जीरो होगा आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो पाथ जो होगा उसका क्या होगा वो हम लिख सकते हैं, यहां से पाथ जो होगा क्या लिखेंगे साइक्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, देखो यहां से एक्स एक्सिस हुआ ये देखो ये सबको मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, यहां से मैं वेलोसिटी भी लिख देता हूं, वेलोसिटी कितना मिला एक जगह लिख देता हूं। ठीक है, अब ये नहीं है कि इसको याद करना है आपको, जस्ट मेथड देखो कि हम कैसे इस टाइप का, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो आएगा वो क्या होगा एडवांस में ही पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा क्यू इनट अपॉन क्या हो गया एम इंटू क्या होगा ओमेगा इंटू क्या होगा वन माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, और एक्स जो मिला क्या मिला आपने को क्यू इनट अपॉन एम इंटू क्या मिला टी माइनस क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट हुआ देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपने को क्या हुआ मालूम चल गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं आसानी से, अब यहां से हम बता सकते हैं, देखो ये इक्वेशन हमने कहां पढ़ा था याद आया, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि कोई भी क्या है यदि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है या प्योर रोलिंग में है आई मीन स्फीयर है ना वो प्योर रोलिंग में होगा सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तो क्या होगा उसके उसके सरकमफेरेंस पे कोई भी पार्टिकल है ना उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है साइक्लॉइड होता है। ठीक है, क्या होगा साइक्लॉइड होगा, तो यहाँ से आप बता सकते हो। तो यहाँ यदि मैं ड्रॉ करूँ ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट द क्या होगा वाई एक्सिस एंड दिस इज क्या होगा एक्स एक्सिस, इसका जो पाथ होगा कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं साइक्लॉइड। तो ये केवल याद रखना है ना साइक्लॉइड। ठीक है, एक्स एक्सिस हुआ वाई एक्सिस हुआ है ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां लिख देंगे नोट में, मैं यहां लिख देता हूं ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। ठीक है, कि व्हेन व्हेन ए क्या होगा चार्ज पार्टिकल is released from rest in uniform in
द कॉम्बिनेशन, या इन द डायरेक्ट लिख देता हूं इन द क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड, देन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, क्या होगा, विल बी साइक्लॉइड. When a charged particle is released from rest in the cross field, in the, yahan likh lena, in the cross field, cross field, then path of the charged particle will be kya hoga, cycloid, will be kya ho jayega, cycloid, theek hai, kya ho jayega, will be cycloid. To aap ye keval dekho, ye kya hoga, ye important hai, ye point aapse पूछा जा सकता है कब, मेंस में. ये याद रखना है क्या, कि जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में फेंकें और इस फेंकेंगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होगा, साइक्लॉइड होगा. ठीक है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो अभी मैंने बताया है ना, उस मेथड से हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ द चार्ज, आई मीन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना. तो यहां देख लो, एक दो न्यूमेरिकल इससे भी देख लेते हैं. तो यहां आप देख सकते हो, यहाँ एक क्वेश्चन देखो, अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एग्जांपल देख लो, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, है कि ये चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज पार्टिकल ऑफ ये चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज शोन इन द फिगर. ठीक है, यही क्या है, देखो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, यही क्या है, इसी के अलोंग हमने मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, V-naught velocity से क्या किया, फेंक दिया. इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इसका मास क्या है, यही एक्सिस ऑफ द क्या है, ठीक है, देन फाइंड, समझ में आया ना यहाँ क्या है, देन इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर, देन फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें डायरेक्ट या इसमें देखो क्या है, कुछ नहीं है डायरेक्ट, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप क्या होता है, बी, और इसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, देखो ठीक है, वाई एक्स, तो बी जो होगा वो क्या होगा, म्यू नेट I है ना, R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या होगा, X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू I कैप, यही होगा वेलोसिटी. यदि आप लिखोगे किसी टाइम वेलोसिटी उसका क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि V इंटू क्या है, I कैप, यही है. तो फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, Q
वी क्रॉस क्या होगा बी होगा। यहां आपको मालूम चल रहा है कि क्या होगा, वी इज पैरेलल टू क्या है बी है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ एम जो होगा वो क्या होगा जीरो। तो यहां क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा अनडेविएटेड क्या होगा मूव कर जाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि इसका इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि करंट कैरिंग जो लूप होता है या करंट कैरिंग जो क्वाइल होता है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एक्सिस के अलोंग लाई करता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। और जब आप क्या करोगे किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सिस के अलोंग फेंक दो तो क्या होगा उस पर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, ये भी देखना आप कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो ये चार्ज पार्टिकल, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कुछ नहीं एकदम आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज क्या होगा मूविंग अलोंग ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। तो हम लिख सकते हैं देन क्या होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप विल हैव, ए में देखो क्या है विल हैव, समझ में आया क्या, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर लूप के अलोंग क्या है मूव कर रहा है, तो इस मूविंग चार्ज के द्वारा एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, विल है यहां लिख देता हूं क्या है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बी में क्या है कांस्टेंट डायरेक्शन, सी में क्या है मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड विल हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और डी में क्या है नन ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है और सोचना है, ठीक है, क्या है अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं और आप शायद देख करके बता सकते हो। फिर से मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, आप तो इसको दो तरह से सोच सकते हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज से आप सोचोगे तब आंसर आएगा। देखो यही क्या है, ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सॉल्यूशन में, सोचना। देखो ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू ऐसे मूव, यहाँ पी ठीक है, इसका रेडियस क्या है आर है, और सपोज इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या है। अब आप मुझे बता सकते हो कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्ज के द्वारा होता है, मैग्नेटिक
फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू मूविंग चार्ज। कितना होगा देखो तो B इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू। V क्रॉस क्या होगा R अपॉन क्या होगा, तो यहां से आप देख सकते हो है ना, यहाँ स्पीड जो होगा उसका क्या है कॉन्स्टेंट स्पीड मान लेना, V इज इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव। तो आप देखना कि यहाँ वी क्रॉस आर से आप देखोगे तो आपको बहुत चीजें मालूम चलेगी है ना, क्योंकि यहाँ देखो बी क्रॉस आर है ना, अब यहाँ टॉप पॉइंट पे होगा तो बी इधर होगा आर इधर होगा तो बी क्रॉस आर मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा कॉन्स्टेंट नहीं होगा, आप इसको सोच करके बताना, ये हिंट्स मैंने दे दिया है ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट नहीं होगा। इससे आप क्या करना, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो सोच सकते हो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से क्या है आप सोच सकते हो। तो बस आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म ठीक है। ओके थैंक यू।